नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम चर्चा का। सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने आज पूरे एक साल हो चुके हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ की ये दूसरी पारी है। उत्तर प्रदेश में योगी ने मुखिया के रूप में बेहतरीन काम किया था, इसलिए योगी को जनता का आशीर्वाद मिला। भाजपा के पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में कई जगह कार्यक्रम भी हुए, तो वहीं सीएम योगी ने प्रेस वार्ता कर एक किए हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, कानून पर जीरो टॉलरेंस ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। यूपी अब माफिया नहीं महोत्सव का प्रदेश बन चुका है, उपद्रवियों नहीं उत्सवों का प्रदेश बन चुका है। यहाँ गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज जैसे शब्द अतीत हो चुके हैं। जनता का आशीर्वाद डबल इंजन सरकार को मिला है। अब ये तो रही सरकार की बात, लेकिन वहीं विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार को एक साल पूरे होने पर जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सरकार का एक साल गिनने की जरूरत नहीं है, ये सरकार अभी तक बुनियादी सुविधा भी नहीं दे पाई है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरा और लिखा, पहले कांग्रेस और बीजेपी सरकार दोनों ही ने स्वार्थ की राजनीति की है। बता दें, मैं आज के इस अवसर पर इस बात को अवश्य कहूंगा कि ये जो पहचान हम लोगों ने पिछले कुछ समय से की है और उस पे आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा और उस यात्रा के लिए मैं अपनी पूरी टीम का एक बार फिर आह्वान करूंगा और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से भी मैं अपील करूंगा। मित्रों, मैं इस अवसर पर आप सबका विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश के अंदर हुए कार्यों को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने का कार्य किया है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने भी रखता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 6 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। इनका एक साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना नदी कितनी साफ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ केसी जैन जी हैं जो भाजपा का पक्ष रखेंगे और हमारे साथ सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमसे जुड़ चुके हैं। नितेंद्र सिंह यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं तिरुनमात श्रीवास्तव हमारे साथ आप प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत भाजपा के केसी जैन से करूंगी। सर, योगी 2 का 1 वर्ष पूरा हो गया है, कैसे देखते हैं आप इसको?
तब सरकारें कहती थी कि हमने क्या काम किया क्या काम नहीं किया और उससे पक्ष और विपक्ष सवाल जवाब होते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि हमने एक साल में क्या काम किए अपना रिपोर्ट कार्ड वर्ष प्रतिवर्ष जनता के सामने रखे, तो पहली बात तो एक नई शुरुआत है। और विपक्ष जो तमाम सारे आरोप बढ़ रहा था कि आपने क्या काम किया क्या काम किया, तो आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें जनता के सामने रखी, वो चाहे आवास के मामले में हो या बच्चों की शिक्षा के मामले हो। आप देखिए कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ड्रेस भी दी जा रही है, जूते मोजे भी दिए जा रहे हैं, बैग भी दिया जा रहा है, शिक्षा के लिए उनको किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ किसानों की भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामने रखी कि योगी वन सरकार में 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी की गई और योगी टू सरकार में चाहे किसानों की एमएसपी बढ़ाने की बात रही हो, किसानों को जो खाद है वो उपलब्ध कराने की बात रही हो। आप देखिए गोरखपुर का लंबे समय से बंद जो खाद का कारखाना था लंबे समय से उसको भी चालू किया, तो बहुत सारे काम। आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए कि करीब 35 से ज्यादा जो मेडिकल कॉलेज हैं हर जिलों में वो चालू हो चुके हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है कि अच्छी मेडिकल सुविधाएं अपने ही जिले में लोगों को मुहैया हो सके। तो किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। आप बिजली की व्यवस्था देखिए कि पहले बिजली केवल 4-5 जिलों में आती थी, आज बिजली पूरे प्रदेश में आ रही है, बड़े शहरों में 24 घंटे आ रही है और बाकी जो छोटे शहर है वहां पे 20 से 22 घंटे आ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 20 घंटे पूरी बिजली दी जा रही है। तो और हमारे पास सरप्लस बिजली भी उपलब्ध है आज के समय में। तो और साथ ही साथ अभी देखिए नया जो सोलर प्लांट है उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में और बच्चों की पढ़ाई हो चाहे नौकरी को लेकर के ODOP जो प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, उसमें 10 लाख रुपए जिस प्रकार से लोन दिया जा रहा है बहुत ही कम ब्याज पे और साथ ही साथ उस पर सब्सिडी भी है और सारी सुविधाएं दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार की तरफ उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है। तो हर एक क्षेत्र में जो काम किए हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जनता के सामने रखा है, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। और सबसे बड़ी बात जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पहले उत्तर प्रदेश में 70 से 72 हुआ करती थी, आज लगातार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हो रही है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, अपराधियों के अंदर भय व्याप्त है। आप देखिए अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी वो गुजरात से उत्तर प्रदेश आना नहीं चाह रहा है, उसके वकील लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं कि नहीं इनको उत्तर प्रदेश न ले जाया जाए। इसके पहले भी आपने देखा कि पंजाब में जब मुख्तार अंसारी बंद था तो व्हील चेयर पे आ गए थे, नहीं हमको न ले जाया जाए। लेकिन उनके गुर्गे हो या उनके जेल से जो तंत्र चल रहा था अपराध का उसको समाप्त करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और जो इनकाउंटर हुए हैं 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए जिनमें से कई दुर्दांत अपराधी मारे भी गए हैं और 20,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनमें से हमारे करीब 1400 पुलिसकर्मी हमारे उसमें इनकाउंटर करने जो गए उसमें घायल भी हुए हैं। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कानून व्यवस्था ही बेहतर है, उत्तर प्रदेश लगातार डेवलप भी कर रहा है और इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ वो आशा से भी कहीं ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और अब तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो पिछली बार आया और बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चल रहे कि उत्तर प्रदेश को कैसे खुशहाल बनाया जाए, लोगों को स्वरोजगार की तरफ भी कैसे बढ़ाया जाए। एक तो डायरेक्ट नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दे रही, पिछली सरकार में योगी वन सरकार में 5.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, साथ ही साथ 1 करोड़ लोगों को स्वरोजगार की तरफ स्वावलंबी किया, उसमें चाहे ODOP के द्वारा लोन रहा हो चाहे मुद्रा लोन रहा हो या लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया गया हो। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ काम कर रही है कि एक व्यक्ति अन्य 100 लोगों को रोजगार दे, ना कि वो केवल सरकारी नौकरी तक डिपेंडेंट रहे। सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती, ये सबको पता है। तो ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार विकास कर रही है, डेवलप कर रही है और काम कर रही है। जी, हमारे साथ नितेंद्र सिंह यादव जुड़े हुए हैं सपा से। नितेंद्र जी, सरकार तो तमाम उपलब्धियां गिना रही है, वहीं आप कह रहे हैं कि सरकार ने बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं किया, लेकिन जनता ने तुम्हें दोबारा फिर से सर्टिफिकेट दे दिया।
धन्यवाद मयूर जी आज की चर्चा में शामिल करने के लिए, और हमने अपने साथी भाजपा प्रवक्ता को बहुत धैर्य से सुना जी। और ये उम्मीद है कि वो भी हमें सुनेंगे। इस आज की बात को मैं शुरू करना चाह रहा हूँ एक लाइन से जी। कि आपकी फाइलों में गांवों का मौसम बहुत गुलाबी है, आपकी फाइलों में गांवों का मौसम बहुत गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। और इसकी शुरुआत एक उदाहरण से करने जा रहा हूं। आज का ही ये हिंदुस्तान अखबार है जो सुबह सुबह मेरे पास आया, सरकार की उपलब्धियों भरा, इस पर ये हेडिंग बनी हुई है, धूम मचा रहा है मैं यूपी बोल रहा हूं। ये पेपर का विज्ञापन है, धूम मचा रहा है मैं यूपी बोल रहा हूं। और इसमें दावा किया गया है बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन में, ये देखिए उज्ज्वला योजना का सिलेंडर बना हुआ है और इसमें लिखा है 75 करोड़ परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन। मयूरी जी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19.9 करोड़ और 2019 के अनुसार 22.5 करोड़, और आज मान लें 2023 में तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ और 25 करोड़ भी मान ली जाए तो भी एक एक परिवार में औसत कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6 लोग होते हैं। तो अगर औसत 5 मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के परिवारों की संख्या महज 5 करोड़ होगी, और पूरे देश के पैमाने में भी अगर देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या 120 करोड़ 125 करोड़ आ ली जाए और महज वही 5 परिवार का आंकड़ा लिया जाए तो देश में परिवारों की संख्या महज 25 करोड़। 2014 के बाद देश में माननीय मोदी जी की सरकार और 17 के बाद योगी जी की सरकार, ये जो दावा मैंने कहा किताबी है, ये कह रहे हैं विज्ञापन छाप के बहुत बेशर्मी से कि 75 करोड़ परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन, इससे ज्यादा झूठ बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार झूठी सरकार है और चंदाचोर सरकार है। इसने पूरे 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने तो फिर से दोबारा मौका दिया है योगी को, और आप झूठी बता रहे हैं। मयूरी जी, आप भी जनता हो, जनता तो यही देखती है जो आप बता रही हो और ये अखबार बता रहा है। जनता मान लेगी 75 करोड़, और हो सकता है कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो तो ये कैलकुलेशन भी ना करे उत्तर प्रदेश में कितने परिवार होंगे, और हो सकता है इन सब जवाब को देख करके जनता ने कुछ भूलें कर दी हो तो जनता भूल सुधार भी कर लेगी। ये पहला कार्यकाल दूसरे सरकार का है जी, पहले साल का, इसके पहले 5 साल। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये दावा मैंने आज आपके सामने रख दिया ना, ऐसे कितने उदाहरण। ये योगी जी का विज्ञापन है, हिंदुस्तान अखबार मेरे घर आता है, वो सामने रखता है, आज का अखबार है, आपके पास ऑफिस में होगा, मंगा के देख लीजिए। और हमारे साथी केसी जैन और वरिष्ठ पत्रकार बैठे सुनील त्रिपाठी जी, इनको भी पढ़वा दीजिएगा, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आज सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है, आप कैसे देखते हैं इसको? और सरकार तो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन आप जमीनी हकीकत को देखते हुए क्या कहेंगे? जो उपलब्धियां सरकार गिना रही है, क्या वो पूरी हुई है? देखिए मयूरी जी, अगर मैं कुछ कहूंगा तो हमारे मित्र नितेन जी को बहुत बुरा लगेगा, और कहना मेरी मजबूरी है कि हम लोग मीडिया के आदमी हैं, कहेंगे जरूर, बिना कहे रह नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में आप बता दीजिए कोई भी गिरोह बंद गिरोह अपराधियों के सक्रिय रहा हो, उसका एक नाम बता दीजिए। बावरिया गैंग हो, मुनचुआ हो और कच्छा बनियान गैंग हो, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कोई गैंग अगर सक्रिय रहा हो रितेन जी, तो आप स्पष्ट बताइए जनता को कि हाँ ये गैंग उत्तर प्रदेश में अपना हाहाकार मचाया है। तो अरे कच्छा गैंग सरकार में है भाई, अब ये हम आप कह सकते हैं कि हो सकता है आपके वहां भी रहा हो, मुझे तो नहीं इस बारे में जानकारी कहां कच्चा बनियान गिरोह, लेकिन कच्चा बनियान गिरोह शहर के अंदर और देहातों तक अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग तो यही मानेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है,
क्योंकि कोई भी अपराधी जो गैंगवार में शामिल थे, जो गैंगवारे होती थी हमारे वहां, वो अब हमको तो नहीं दिखने कहीं मौका मिला कि अखबारों में हम लिखें कि ये गैंगवार है, ये मुनचुआ घूम रहा है और ये आपका कच्छा बनियान ग्रोह घूम रहा है, बवरिया ग्रोह घूम रहा है। इससे पूर्व आपने देखा हो मयूर जी, इसी राजधानी में बवरिया गैंग का आतंक था, लोग जीना हराम था, कभी कच्छा बनियान का आतंक था, जीना हराम था, कभी मुनचुआ आया था, शायद आप तो बहुत पुरानी बात है, मुनचुआ से पूरा प्रदेश त्रस्त हो गया और उस मुनचुआ का प्रदेश सरकार पता भी लगा कल्याण सिंह की सरकार में था। नहीं मित्र, बड़े भाई हैं आप हमारे, ये बसपा सरकार में था, मैं बता रहा, याद दिला रहे हैं, मुनचुआ कल्याण सिंह की सरकार में था, सरकार में था ये, कल्याण की सरकार मुनचुआ नहीं था, ये साथ में आया है, मुनचुआ जी समय आया है उसमें बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, भाजपा सरकार नहीं थी, क्योंकि भाजपा मुनचुआ कोई है ही नहीं, और खुद बताइए आप एक आधा आप सुनील भाई ऐसे बता रहे जैसे लगता है आप भाजपा में हो। नहीं मैं भाजपा नहीं हूं, कोई मुनचुआ नहीं है, हर कच्चा गैंग अपने में है जी जी, वो कच्चा गैंग आजकल फुल पैंट में आ गया है। मुद्दे पर रहते हैं हम, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हुआ है, उस पर बात करते हैं, मैं उसी बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर भी उसका एक अंग है, और ला एंड ऑर्डर सुनील भाई, जी भाई सुनील भाई, मैंने बड़े सम्मान से आपको आज का अखबार बताया है, इस पर भी बोल दो, मैं झूठे दावों की बात कर रहा हूँ, जरा इस पर भी बोल दीजिए, आप अच्छे पत्रकार हो भाई, देखिए आप हमारे मित्र हैं, भाई हैं, आज इस बात पर बोल दीजिए, 75 करोड़ परिवार जो कहेगा पूरे एशिया में दे दिया क्या? नहीं देखिए अब इस पे हो एशिया का दावा किया है कि पूरे विश्व का दावा किया है, इस बात पे तो अब हम अखबार देखे नहीं है विज्ञापन में, अगर 75 मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सूचना गुलाब की होगा, रिपोर्टेड अखबार है, मैं आज का लिए बैठा हूँ जी, ये देखिए गलतियाँ तो सूचना विभाग की हैं, विज्ञापन सुनील जी को बोल लेने दीजिए भाई, नितिन जी बात रखने दीजिए, ऐसा है कि इस बात से हो सकता है कि त्रुटि हो गई हो, ये जिम्मेदारी सूचना विभाग की है, आप इससे पहले भी विकास के पद पर उत्तर प्रदेश और अखबारों में छप गया था विनाश के पद पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद सूचना विभाग 2-4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो इस तरह से ये त्रुटियां तो कॉमन है, हो सकता है सूचना विभाग ने कर दिया हो, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं कि मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं है जी, लेकिन जो विकास कार्य किए जा रहे हैं ब्यूरो जी, उसमें भी आप ग्रामीण अंचलों में देख लीजिए, बिजली भी आराम से लोगों को मिल रही है, लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा के क्षेत्र में जनता बहुत परेशान है, शिक्षा माफिया आज भी उसी तरह सक्रिय है, बच्चों की फीस निकालना गार्जियन के लिए अप्रैल महीना आ रहा है, मयूर जी इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मध्यम क्लास के लोगों को भी इस प्रदेश में जीने का हक है, और सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई है, मैं तो जिन चैनलों पर जाता हूँ इस बात को बड़ा गंभीरता से प्रस्तुत करता हूँ कि वास्तव में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, अभी कोरोना से मुक्ति मिली नहीं और शिक्षा माफिया और शिक्षा के क्षेत्र के लोग फीस बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, गार्जियन कहां तक झेलेगा, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, रोड टैक्स, उसके बाद एजुकेशन, तो इन परिस्थितियों में प्रदेश सरकार के तेजस्वी मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ सपा प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव है, आप प्रवक्ता माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी से तरुणिमा श्रीवास्तव है, तरुणिमा जी सेवा सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन कैसे देखती हैं इसको? देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता और हमारे बड़े शानदार हमारे पत्रकार साहब भी बड़े अच्छे योगी जी के गुणगान गा रहे थे, उनके एक साल के जो कार्यकाल है उनको बता रहे थे, तो मैं भी इनका पक्ष रखते हुए योगी जी का गुणगान गा देती हूँ कि एक साल में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल को की फीस को 10% तो बढ़ाने का काम किया और सरकारी स्कूल को ध्वस्त करने का काम किया। अरे तरुणिमा जी, तो मैं भी कह रहा हूँ, कोई नई बात आप नहीं कह रही हैं, ये मैं भी तो कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी 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 बात तो मैं भी कह रहा हूँ, आप आरोप लगा रहे मोदी योगी के गीत गा रहा हूँ कि आप ऐसे मत टोकिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपका जब नंबर आया कोई नई बात कही आपकी, तो मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, देखिए आप योगी जी की तरफ से मत बोलिए, आप आराम से बैठिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप ही बोलिए। देखिए प्राइवेट स्कूल का 10% फीस बढ़ाने का काम किया योगी जी ने और सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करने का काम किया, और अमृत काल में कई सारे जिलों में विष जल मिल रही है जनता को, और बिजली का जिस दर को कम करना चाहिए वहां पर 29% बढ़ाने के काम कर रही है योगी सरकार, मयूरी जी, ये उपलब्धि मैं बताती हूँ, और यहाँ महिलाओं को सुरक्षा का काम करना चाहिए, वहाँ मिशन शक्ति
मिशन शक्ति के नाम पर सिर्फ इवेंट किए गए, महिला सुरक्षा के नाम पर कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। आप FIR दर्ज कराने के लिए महिलाओं को 10 बार चक्कर काटना पड़ता है। मेट्रो सिटी में वो चोरी चकारी हो रही है, रोज व्यापारियों को लूटा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं अच्छी हुई है और क्या काम, ये मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। केजरीवाल जी ने गंगा नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए योगी सरकार लगा गई। जेल में आपको उपलब्धि कितवाती हूँ मैं, आपको उपलब्धि कितवाती हूँ। काशी में 50% से ज्यादा विभाग जेल में, 17,800 करोड़ का आज परियोजना का उद्घाटन करने गए हैं मोदी जी। आज तक बनारस में काशी में हुआ क्या है? आप गई नहीं है, खाली टीवी पे आप बता रही है जनता को, एक बार जाग देखिए बाबा विश्वनाथ की स्थिति बदल गई है। वहाँ आप गंदगी दिखाई नहीं पड़ रही है। आप लोग आराम से अपनी बात रखिए, हम चर्चा करने बैठे हैं। आई थी परमानेंट हुआ, शिक्षा मित्र परमानेंट हुई, शादीशुदा महिलाएं जो शिक्षा मित्र है वो सर मुड़वाने का काम कर रही है। इतनी प्रताड़ित है, याद नहीं है आपको? आप योगी सरकार की उपलब्धियां सुन तो लीजिए। आप बर्दाश्त कम से कम, बल्कि भाजपा के प्रवक्ता छुपे, लेकिन आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बड़ी दिक्कत है, भाजपा के प्रवक्ता शांत बैठे हुए हैं। देखिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। मिशन शक्ति के नाम पर महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया, सिर्फ 10-10 रुपए के सर्टिफिकेट बांटे गए। खाता नहीं खुला आपका उत्तर प्रदेश में, स्कूल में सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य योजना पे बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य योजना के नाम पर सरकारी बिल्डिंग ध्वस्त है। कभी भी जो बीमार मरीज है उसके ऊपर दीवारें गिर सकती हैं। दवाइयों के नाम पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कैसे आप इन आरोपों को देखते हैं? देखिए मयूरी जी, केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने आए, टीचरों की नियुक्ति और जनता ने इनको सबक सिखा दिया क्या खाता करना चाहिए आप सरकारी। और रही बात करना जी, सुन लीजिए। देखिए केजरीवाल जी की पार्टी 50% से ज्यादा जेल जा चुकी है। उनके जो विभाग है आप देखिए, सिसोदिया जी भी जेल में है और सीबीआई के जेल में है और कितने मंत्री इनके जेल जा चुके हैं। अभी तक ये जो कहते हैं सबसे ईमानदार पार्टी है, अगर ईमानदार थे उनको जमानत क्यों नहीं मिली? जमानत तक नहीं मिली इनको। और जब ये चुनाव हार जाते हैं किस पे साबित हो गया, खतरे में आ जाता है, चुनाव आयोग गुण जाता है। बताइए गुनाह क्या हुआ है? और साबित किया है आपने? चुनाव जीत जाते हैं सीबीआई के नहीं सुनना नहीं चाहेंगे आम आदमी पार्टी की बहन, बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगी, क्योंकि 50% से ज्यादा विभाग करेंगे जेल में जनता तक गलत बात पहुंचेगी ना। केजरीवाल जी कहते थे आप कार्रवाई करिए, आप कार्रवाई करिए, पहले आप 50% आगरा दे दीजिए, फर्जी कार्रवाई कितने आम आदमी पार्टी के 50% नेता जमानत दे दीजिए। आप एक ग्राउंड नहीं दे पाए इससे झूठ नहीं बोलिए आप। देखिए आप लोग एक एक कर अपनी बात रखें। केसी जैन जी बोलिए। देखिए जिस प्रकार से हमारी आम आदमी पार्टी के बहन अरोड़ा जी लगातार आरोप लगा रहे, लाइन ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यही केजरीवाल जी जब कोई इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होता है और यही समाजवादी पार्टी उसको जाति आईने से लोग देखने लगते हैं, चाहे विकास दुबे की बात रही हो, चाहे अतीक अहमद पर कार्रवाई हो, चाहे मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो, किसी को इनको ब्राह्मण नजर आता है, कोई मुस्लिम नजर आता है, कोई यादव नजर आता है। देखिए अपराधी अपराधी होता है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि और लायर ऑर्डर को लेकर अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं, उसके पहले आप जो सवाल खड़ा करते हैं इनकाउंटर पर बुलडोजर पर, पहले वो सवाल खड़ा करना बंद करिए, क्योंकि जब कार्रवाई होती है तो जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा से कहता रहता है आप एक विशेष समुदाय पर निशाना साधते हैं। देखिए जब इसी तरीके से विपक्ष ने पहले भी प्रश्न उठाए थे और एक लिस्ट पेपर में प्रकाशित हुई थी, सम्मानित बड़े समाचार पत्र ने पूरी लिस्ट प्रकाशित की थी कि उत्तर प्रदेश में किस किस के एनकाउंटर हुए, उसमें जाट भी थे, यादव भी थे, मुस्लिम भी थे, कुर्मी भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें छत्री भी थे, ब्राह्मण भी।
तो तब इनकी जवानें बंद हो गई थी, तब ये उस पर जवाब नहीं दे पाए थे। तो मनगढ़ंत अगर कोई बात कहनी है कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिन पे भी कार्रवाई हुई वो एक एक लोग एक एक लाख दो दो लाख के इनामी बदमाश थे, उन पे कार्रवाई हुई। और अभी आप देखिए कि जब अतीक अहमद केस में जो पाल की जो हत्या की वहां पर, उसके बाद में जब दो इनकाउंटर हुए उस पे भी विपक्ष कहने लगा कि मुसलमानों के ढूंढ ढूंढ के इनकाउंटर हो रहे हैं। तो अपराध करने वाला कौन है? जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। और हमने आपसे बताया सरकार अपना लगातार अपना पक्ष रख रही है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है उस पे, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए देखिए नितिन जी को समय दे दीजिए, आपने बिठाया है तो मुझे भी जवाब देने का मौका दीजिए। मयूर जी मतलब नितिन जी को समय दे दीजिए। मयूरी जी देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे दोनों नेता और हमारे भाई बैठे हैं, हमारे बहुत ही जोरों से दोनों साथी सरकार का लैंड ऑर्डर पर पक्ष रख रहे हैं। लैंड ऑर्डर पे मैं जैसे सिर्फ दो बातें कहनी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार जो आंकड़े देती है वही एनसीआरबी में दर्ज होते हैं, और एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार क्या लगता है आपको, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं, वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? नहीं, मैंने ये कहा, मैं आंकड़े नहीं देता, एनसीआरबी के वही आंकड़े दर्ज होते हैं। आपने कहा कि सरकार जो देती है वही आंकड़े दिखाए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनसीआरबी में आंकड़े होते हैं वो जो प्रदेश में केस दर्ज होते हैं जो प्रदेश सरकार देती है वही वहां पर रिकॉर्ड बनाया जाता है। उस रिकॉर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पर है अपराध के मामले में। यह है लैंड ऑर्डर की स्थिति। देश में टोटल राज्य कितने हैं उसमें सारे राज्य केंद्र शासित राज्य को निकालने के बाद जो स्थिति बनती है 23वां स्थान है उत्तर प्रदेश में। यह है लैंड ऑर्डर की स्थिति। भाई इस पे क्यों फूटे दावे कर रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूँ 23वां स्थान है उत्तर प्रदेश का अपराध के मामले में। FIR से देश के तमाम राज्यों से पिछड़ते पिछड़ते क्या यूपी को नंबर वन बनाने की बात करते हो? आनी चाहिए अपराध के मामले में, तुम्हारे भाषण से नहीं चलेगा। सुन लीजिए, हम चर्चा करते बैठे हैं। बाबा जी घंटा बजा रहे हैं, बाबा जी बहुत अच्छे, बाबा जी देखो कितना अपराध आज गली गली हमारे देश के गृह मंत्री आप उत्तर प्रदेश में भाषण करते थे कि रात को 12 बजे स्कूटी से कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात रखिए। आज सड़क चलते साल में योगी बाबा ने कौन सा नया पावर प्लांट बनाया है, बिजली का क्या प्रोडक्शन था? जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 12 से 17 में बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा था, उसी के सहारे उत्तर प्रदेश को जिंदा रखा। जेल भेजे कौन लोग थे जिनके ऊपर 1.5-2 लाख के इनामी बदमाश थे? 5 साल तक आपकी सरकार रही, आपको अपराधी ढूंढे नहीं मिल रहे थे, और जब योगी जी की सरकार आई वही अपराधी तख्ती लेके खड़े थे, रही आप जेल में डाल दीजिए, इनकाउंटर ना हो जाए कहीं। वही अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के कमल सब स्वच्छ हो गए हैं, अपराधियों की लिस्ट उठाओ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के वो सारे अपराधी जो हैं आज संत महात्मा बन गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, योगी सरकार की जो एक साल की उपलब्धि है, अगर ये जनता तक पहुंच जाए और घर घर जाकर अगर आप लोगों से पूछे कि योगी सरकार ने क्या किया, तो एक भी जनता जो है, एक भी आदमी बता नहीं पाएगा कि योगी सरकार ने क्या किया। लेकिन वो ये जरूर बताएगा कि बिजली के दरों को बढ़ा दिया है उसने, सरकारी स्कूल खत्म कर दिए हैं उसने, प्राइवेट स्कूल को और महंगा कर दिया, उनको उनको समर्थन में लगे रहते हैं, और कानून व्यवस्था अभी बिल्कुल खराब चल रही है, बिल्कुल FIR दर्ज नहीं होती, अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए तो पुलिस आपको की सुनवाई नहीं करती,
बल्कि आपको डरा धमकाकर आपको घर भेज देती है। तो योगी सरकार के राज में जो पुलिस प्रशासन है उसकी दादागिरी चल रही है, योगी जी ने खुली छोड़ दे रखी है, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ी बात, आज नई खबर यह है कि योगी सरकार ने टोल टैक्स जो है 50-60% बढ़ा दिया। अब ये सारा जो जनता के पैसे जेब में से पैसे चुराए जा रहे हैं, डकैती डाली जा रही है, योगी सरकार जो कर रही है वो पैसे कहाँ लगा रही है, सिर्फ अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम कर रही है, उनके लॉकर में अपनी पार्टी के जो अकाउंट है उसमें डालने का काम कर रही है क्या? ठीक है, जनता के लिए काम कहाँ हो रहा है यहाँ पर जी? ठीक है, मैं आखिरी सवाल सुनील त्रिपाठी जी से लूंगी। जी। सुनील जी, आपने पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मयूरी जी, अगर भ्रष्टाचार आपकी सरकार तो कोई उत्तर प्रदेश में न बनी है ना भविष्य में उम्मीद पाई जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार जिस समय थी, मैं एक याद दिलाना चाह रहा हूँ अपने मित्र नितिन जी को, 400 करोड़ दिल्ली में भी यही था कि आम आदमी पार्टी की कभी सरकार नहीं आएगी। अरे भाई, आप बना लेंगे तो हम धन्यवाद देंगे आपको, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सरकार बना भी लेंगे, लेकिन जब काम अच्छा कीजिए। बिल्कुल, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तभी 10 साल कहने मौका दीजिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर, आप भाजपा का जो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं, कितने सालों बाद, कई सालों के संघर्ष के बाद वो सरकार में बैठी है। आप बोलिए बोलिए, उसे मैं बोलूंगा, बोलिए आप। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपने अभी आम आदमी पार्टी के बारे में बोला तो ये बताइए कि बोला हूँ क्या, हमारी पार्टी 10 साल पुरानी है, खाता खुला हो आप बता दीजिए, पूरी मीडिया वाला बता दें, मैं चैलेंज करता हूँ कि खाता खुला आपका, ये उत्तर प्रदेश की तारीफ करनी चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश सरकार आप बनने की उम्मीद हो तो बता दीजिए, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में फिर आप देख लीजिएगा कि आपकी स्थिति क्या है। भाजपा के प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी को ही मानता हूँ मयूर जी, दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त भाजपा के प्रतिद्वंदी के रूप में हमको उत्तर प्रदेश कोई पार्टी दिखाई नहीं पड़ती है, और 24 चुनाव में भी आप देख लीजिएगा कि अन्य पार्टियों का क्या हाल होगा। मयूर जी एक सेकेंड, अखिलेश जी की सरकार थी, कृषि विभाग में 200 करोड़ रुपए घोटाला हुआ, उसके बाद में उसमें एपीसी यही नहीं, मनोज पांडे जी जो आप इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, मनोज पांडे ने ही जांच। अरे अरे भैया सुनील जी अभी चित्र प्रसाद जी का पीडब्ल्यूडी घोटाला बता दो, मुख्यमंत्री स्वयं सबकी क्लास लेते घूम रहे थे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी भी देख लो, मौका दीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नजदीक का देख लो, पीडब्ल्यूडी का 370,000 करोड़ का घोटाला। अरे तो आप विपक्ष में लीजिए, बुलाइए योगी जी से लेकर के और अमित शाह जी तक साथ थे। आपने भी देखा होगा कि माननीय मुलायम सिंह जी जब थे, घोटाले कोई विपक्ष के होते थे मीडिया को सामने देते थे ला करके, आपने भी देखा होगा नेताजी की कार्यशैली। आप विपक्ष में हैं, आप ऐसे घोटाले लाइए और अखिलेश जी को दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे हम लोगों को, अगर कोई पत्रकार ना लिखे तो कही वो भाजपा ही है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी आप विपक्ष में है, सरकार को घेरने साथ में तथ्य दीजिए, और जो मैं कह रहा हूँ ये आन रिकॉर्डेड है नितिन जी। सदन में जो आदरणीय अखिलेश जी ने बोला है वही छाप देते, इससे ज्यादा झूठा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। 46 पे 56 यादव एसडीएम बताते थे, इससे ज्यादा झूठी सरकार क्या होगी भाई। अच्छा, खुद मुख्यमंत्री सदन में पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या झूठापन हो सकता है। ये सरकार झूठी सरकार, चंदा चोर सरकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार सिर्फ चंदा चुरा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। आप विपक्ष में बैठे, धन्यवाद। आप सभी पैनलिस्ट का प्राइम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो गया है, जिसको लेकर सीएम योगी ने आज 45 मिनट की लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अभी के लिए प्राइम चर्चा में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।